स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास फाइव क्लास का चैप्टर नंबर 4.5 है। तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसे बताना है, इसमें यह बताना है कि पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, इसमें बताना है पॉइंट के बाद टू डिजिट्स एंड पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स, ये कैसे बनेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसी रकम आ गई 0, 1, 2, 3, 4, तो हम इनसे कैरी नहीं लेंगे, इनसे हम कैरी नहीं लेंगे। अगर 5, 6, 7, 8, 9 आ गई तो इनसे हम कैरी लेंगे, इनसे हम कैरी नहीं लेंगे, इनसे हम कैरी लेंगे। तो अब ये बताओ, हमने पॉइंट के बाद वन डिजिट में इसे कन्वर्ट करना है, अगर हमने इसे वन डिजिट में कन्वर्ट करना है तो थ्री से हम कैरी नहीं लेंगे कि हम टू को दे दें, हम इससे कैरी नहीं लेंगे क्योंकि थ्री इधर आता है, थ्री फोर, मैंने कहा फाइव फोर या फाइव से ज्यादा हो तो कैरी लेना है, फाइव से कम हो तो कैरी नहीं लेना। तो ये फाइव से कम है थ्री, तो कैरी नहीं लेना, इसका आंसर यही है, ये वन डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हमने वन डिजिट में कन्वर्ट करना है तो ये फाइव से बड़ी है तो हम इससे इसको कैरी देंगे, इसमें कैरी नहीं लेना, इसमें कैरी देंगे, तो कैरी देंगे ये वन पॉइंट। अब इधर से वन कैरी पीछे दिया थ्री को तो वो फोर बन गया, तो ये वन डिजिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इधर भी, इधर से एक कैरी इधर दे दो, इसे टू डिजिट में कन्वर्ट करना है तो ये 6, 5, 6, 4 बन जाएगा, इसे भी कन्वर्ट करना है, टू से हम कैरी नहीं लेंगे क्योंकि टू फाइव से कम है, अगर फाइव से कम है तो हमें कैरी नहीं लेना, इसका आंसर यही है, पॉइंट के बाद टू डिजिट। अब पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स हो तो फाइव है, फाइव से हम कैरी लेंगे क्योंकि फाइव हो या फाइव से बड़ी हो तो हम कैरी लेंगे। तो ये देखो 71.83, फाइव से वन कैरी लिया, ये फाइव बन गया, यही इसका आंसर है। चलो टू से हम कैरी नहीं लेंगे, तो टू से हम कैरी नहीं लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये थ्री डिजिट्स आ गए, ये थ्री डिजिट्स आ गए, ये टू डिजिट्स आ गए, ये वन डिजिट आ गए। तो इंशाल्लाह जो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर